ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। जैसा कि आप सबने देखा कि गब्बर ने ठाकुर के दोनों हाथ ले लिए। अब गब्बर था एक बिजनेस माइंडेड पर्सन, ये बात अलग है, हम लोग नौकरी करना चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं, लेकिन गब्बर एक बिजनेसमैन था। ओके, अब उसने ये दोनों हाथ को सेल किए और उनको एक कस्टमर मिला जिसका नाम था फ्लेमिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके कस्टमर का एक फोटोग्राफ है, फ्लेमिंग। तो ये जो हाथ थे यहाँ पे आप देखें, ये हाथ हमसे ले ले फ्लेमिंग, गब्बर ने नारा लगाया। और आज आपको पता चलेगा कि गब्बर ने ठाकुर के हाथ एक्चुअली काटे क्यों थे। वो इसलिए काटे थे क्योंकि फ्लेमिंग ने डिमांड की थी दो हाथों की, इसलिए गब्बर ने काट लिए इसमें। तो आज आपका इस रहस्य भी पर्दा उठ गया होगा कि गब्बर ने आखिर क्यों हाथ काटे ठाकुर के। अब हमारे पास फ्लेमिंग के पास दो हाथ मिले, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। तो इस फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दो रूल दिए, जिसका मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसको स्ट्रेच करना है। इस तरह से स्ट्रेच करना है, हमारा थंब, हमारी फोर फिंगर और हमारी मिडिल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। इस तरह आप देख सकते हैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक्स वाई जेड एक्सिस 90 डिग्री। सो स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड सच दैट थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसा मैंने आपको शो करके दिखाया। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारी जो फर्स्ट फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर शो करती है, और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करेंट शो करेगा सेंट्रल फिंगर, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या फाइंड करने करता है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करता है। इफ ए करेंट कैरिंग कंडक्टर कैप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन विच डायरेक्शन फोर्स विल एक्ट, और वो फोर्स कौन सी है? लोरेंज फोर्स। तो उस लोरेंज फोर्स की डायरेक्शन को ये फाइंड करने के लेफ्ट हैंड यूज किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप माइंड में सेट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हियर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, एंड दिस सेंट्रल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो मोटर के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। यहाँ पे मोटर में हम डायरेक्शन ऑफ करंट, हमें पता होता है किस डायरेक्शन हम करंट दे रहे हैं मोटर में, कि प्लग हमें इंसर्ट करना है तो हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट पता है। मैग्नेट हम देख के बता सकते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है। तो बचा क्या फाइंड आउट करने के लिए? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि उस कॉइल पे किस डायरेक्शन में फोर्स हो रही है, लग रही है, उसको फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल से भी शो करके दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखो स्क्रीन पे, ये आपके पास आर्मेचर रखा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये आपका नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। करंट या पॉजिटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड से एंटर करेगी, पॉजिटिव साइड से एंटर करी, मूव कर रहा है इस आर्मेचर में, और ये फाइनली अपनी लोअर पोटेंशियल निगेटिव में आ गई। अब इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड वो कौन सा दिखाएगी, वो आपका दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल फिंगर। तो हम अपने पाम को इस तरह एडजस्ट करा, तो ये हमारे पास आपकी मिडिल फिंगर एम फॉर मिडिल फिंगर, इस डायरेक्शन में एडजस्ट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। एक बार ध्यान रखना, अपनी पाम को एडजस्ट करना है, फिंगर आप एक बार एडजस्ट कर ले इस तरह से, उसके बाद इस पाम को टर्न करना है, इस पाम को या इस आर्म को टर्न करके सेटिंग करनी है। ये नहीं कि आप फिंगर को आप एडजस्ट करो, नो, फिंगर वंस एडजस्ट, नो नीड टू चेंज, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, गलत डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे। आपको इस पाम को ये वाली पाम को या फिर इस एल्बो को, ये जो टर्न है आपकी, इसको टर्न करके एडजस्ट करना है इन फिंगर्स को। अब ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो आप देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपकी डाउन साइड में एक्ट होगी, ये कॉइल इस तरफ डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। ऑब्वियसली अगर इस तरफ ये डाउन साइड मूव करेगा तो ये वाला इस तरफ अप साइड मूव करेगा। आप चाहो तो इसमें भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देख सकते हैं। अब मैं आपको शो करके भी दिखाऊंगा कि किस तरफ फोर्स लगी, जिस तरफ फोर्स लगेगी उस तरफ ऑब्वियसली
ये आर्मेचर रोटेट करेगा। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ शो करके, तो चलिए देखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न शो कर रहा हूँ, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न शो हो गई, करंट शो हो गई। अब देखिए फोर्स, ये रही फोर्स की डायरेक्शन, तो जो मैंने आपको बताई। अब मैं इसे रन करूंगा, ये देखिए रन होना शुरू हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो यही आपको मैंने यहाँ पे बताया था। आप देखिए फोर्स की डायरेक्शन एफ, दिस वन डाउन साइड एरो, यहाँ पे रेड से दिखाया जा रहा है एफ फोर्स। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट था। मोटर में भी मैंने आपको बताया है, मोटर का जो आप है वीडियो उससे एक बार और देख सकते हैं, तो सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बताने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा, इस रूल को हम वेरी इजी FBI से याद रख सकते हैं। आप बस थ्री वर्ड्स याद रखो, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन यहाँ FBI का मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट है। तो आप शॉर्ट में FBI याद कर सकते हैं और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में लिख सकते हैं, F स्टैंड फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड I फॉर करेंट। नाउ सी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमें जो फाइंड आउट करना होता है, करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है। ओके, जनरेटर के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं या क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है तो हमें पता है हमारे पास मैग्नेट है, तो नॉर्थ पोल पता है, साउथ पोल पता है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है। फिर पता क्या करना है, तो हमारे पास जो इंड्यूस करंट होती है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा कि इंड्यूस करंट होती है, उसका कौन सा डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन से वो फ्लो हो रही है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। ओके, तो हमारे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, स्ट्रेच आवर राइट हैंड पाम इन सच ए वे दैट थंब, फोर फिंगर एंड दिस मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दिस केस थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मिडिल फिंगर शो द मैग्नेटिक फील्ड, दिस फोर फिंगर शो द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज सेम फॉर लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड ही शो करती है। एंड हेयर दिस मिडिल फिंगर शो इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड इट शो द करेंट, बट इन द केस ऑफ राइट हैंड इट शो द इंड्यूस करेंट, क्योंकि यहाँ करेंट इंड्यूस हो रहा है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट। अब आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हेयर दिस शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थंब, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर एंड डायरेक्शन ऑफ नॉट करेंट, इट इज मस्ट बी इंड्यूस्ड करेंट, करेंट इंड्यूस हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट। ओके, INDUCE इंड्यूस करेंट। ओके, तो ये था हमारा फ्रेमिंग राइट हैंड रूल, और ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जहां पे हम करेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं जनरेटर के कॉन्सेप्ट में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।